तो दमिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पहले वीडियो लेक्चर में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस वीडियो को पूरा देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारे पास चार फिगर हैं इसमें, और एक फिगर का तीन फिगर है हमारे पास, एक फिगर को फाइंड आउट करना है, ठीक। और हमारे पास ऑप्शन फोर है, ठीक है। पहला फिगर और दूसरा फिगर, ये दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलर रहेगा, इन दोनों में सिमिलरिटी निकालनी है, क्या इसमें सिमिलर था, ठीक। फिर इसका जो चेंजेस आएगा वो हमें तीसरे और फोर्थ में करना है, ठीक। जैसे पहले वाला फिगर हमारे पास एक स्क्वायर है और अंदर एक फिगर है जिसमें एक इस साइड लाइन और एक इस साइड लाइन है, लेकिन जो दूसरा वाला फिगर में ये लाइन इसमें नहीं है, मतलब इसमें क्या पॉजिटिव चेंज हुआ है, इसमें जो हमारी ये छोटी स्ट्रेट लाइन थी ना, ये हमारे जा चुकी है, ठीक। तो ये जो चेंजेस हुआ है वो हम तीसरे और फोर्थ में करेंगे, ठीक, थर्ड और फोर्थ में। देखिए इसमें भी सेम ये रहेगा, फिगर का जो शेप है वो तो ये रहेगा, देखिए एक स्क्वायर है और यहाँ पर एक सर्कल हो जाएगा, क्योंकि जो दो स्ट्रेट लाइन थी वो हमने हटा दी है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, पहले और दूसरे फिगर में हमें क्या क्या सिमिलरिटीज हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुआ वो देखना है, और जो उसमें चेंजेस हुआ है वो हमें तीसरे और फोर्थ में करना है, ठीक। थर्ड और फोर्थ में वही चेंजेस करना है। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन हमें फाइंड आउट हो गया है, इसमें हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, कौन सा 10th है। देखिए पहला फिगर हमारा, पहले फिगर का शेप देखिए, बिल्कुल एक में स्ट्रेट लाइन है चार और एक में डार्कनेस है, डार्क राइट फाइंड आउट है, और दो हमारे क्या है बिल्कुल खाली है, ठीक। तो ये हमारे 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है, जैसे ये यहाँ पे है तो ये हमारा 90 डिग्री रोटेट हो गया, ठीक। वो भी बहुत के डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में, ठीक। ये देखिए जो यहाँ पे था वो रोटेट हो गए, इधर पे आ गया, जैसे जैसे एक ये यहाँ पे था ये एरो, लेकिन वो रोटेट हुआ है ऐसे करके तो वो इस साइड आ गया, वो भी घड़ी की दिशा में, ठीक। फिर इसमें क्या चेंजेस हुआ है वो चेंजेस हमें थर्ड में करना है, इससे हमारा फोर वाला फिगर फाइंड आउट हो जाए, और हमारे पास फोर ऑप्शन भी है, ठीक। तो ये इसको इस वाले फिगर को देखेंगे हम तीसरे को, इसमें भी क्या कह रहा है, हमने 90 डिग्री रोटेट किया था वो भी घड़ी की दिशा में, इसमें भी वही करेंगे हम, ठीक। ये इधर पे इसको हम किधर 90 डिग्री पे करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला वाला ये भी रॉन्ग है, दूसरा वाला भी रॉन्ग है, तीसरा वाला भी रॉन्ग है, और चौथा वाला देखिए चौथा वाला हमारा करेक्ट है। इसके शेप का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शेप में कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसमें देखिए ये वाला यहाँ पे था डार्कनेस वाला, डार्क वाला पार्ट, लेकिन ये 90 रोटेट होके इधर आ गया हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक। तो इसमें भी यही होगा बिल्कुल, जो चेंजेस फर्स्ट और सेकेंड में हुआ वही हमें थर्ड और फोर्थ में करना है। तो ये वाला हमारा इस नीचे था ना, तो ये हमारा लेफ्ट में हो जाएगा, इसमें भी देखिए ये वाला हमारा लेफ्ट में हो गया है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 11। देखिए पहले वाले फिगर में क्या है हमारे पास, सबसे पहले एक स्क्वायर है जिसमें हमारी डार्क स्ट्रेट लाइनें हैं, और उसके अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि इन डार्क है, ठीक, कुछ भी नहीं है उसमें खाली है बिल्कुल। दूसरे वाले में क्या होगा, इसका अपोजिट हो गया है, जो हमारा ट्राइंगल था ना छोटा वो बड़ा हो चुका है, उसमें स्ट्रेट लाइन है, और हमारा जो है स्क्वायर है वो छोटा हो गया, मतलब इसमें अपोजिट हो गया, पहले इसमें स्क्वायर था फिर ट्राइंगल था, लेकिन इसमें अपोजिट होकर पहले ट्राइंगल हो गया फिर इसमें स्क्वायर हो गया, ठीक। इसमें क्या है, अपोजिट हुआ है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में जो जो सिमिलरिटीज हैं, जो चेंजेस हुआ है वही चेंजेस हमें थर्ड और फोर्थ में करना है, ठीक। इसमें क्या है हमारे पास एक सर्कल है और उसके
सर्कल में क्या है पास स्ट्रेट लाइन है, और उसके अंदर क्या है पास एक स्क्वायर, तो पहले पे क्या है सर्कल, दूसरे पे हमारा स्क्वायर, तो इसको भी हम चेंज अपोजिट कर देंगे। पहले नंबर क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, दूसरे को हो जाएगा सर्कल, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इस वाले फिगर को फाइंड आउट करना है, तो पहला वाला फिगर हमारा करेक्ट है। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए पहला वाला फिगर में क्या हमारे पास तीन सर्कल है, क्या हमारे पास तीन सर्कल है, और जिसकी लाइन क्या हमारे पास हमारे दो स्ट्रेट लाइन है सब सर्कल के अंदर। ये देखिए पहले में भी है, दूसरे में भी है, और तीसरे में भी है, तीनों सर्कल्स के अंदर। लेकिन दूसरे वाले फिगर में क्या हो गया, ये दो स्ट्रेट लाइन है वो एक हो चुकी हैं, ठीक। तो पहले और दूसरे में क्या चेंजेस हुए हैं, इसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन थी, इसमें एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और वो भी डार्क वाली। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारे पास साइड क्या है, इसमें भी हमारे पास एक ये है स्ट्रेट लाइन, एक ये है और एक ये वाली, इसमें भी क्या हो जाएंगी हमारी तीनों ट्राइंगल में हमारी डार्कनेस हो जाएगी, ठीक, तीनों स्ट्रेट लाइन डार्क हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर, इसका शेप का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें हमारा ये वाला शेप नहीं है। दूसरे वाला ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें इधर पे डार्कनेस आ गया है। तीसरे वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें देखिए इस ट्राइंगल बाहर साइड भाग में ये हमारा डार्क पार्ट आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें देखिए हमारे पास एक दो एरो है, हमारे पास एक नीचे साइड है और एक लेफ्ट राइट में, दो ये हमारा रोटेट हो रहा है, वो भी 135 डिग्री, ठीक। तो ये हमारा ये कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था, तो ये घड़ी की दिशा में इधर हो गया है। जैसे यहाँ ये एक घड़ी है, ये समझते हैं एक घड़ी है, ये 12, ये 9, ये 3 और ये 6। तो पहले हम यहाँ थे, ठीक, इसमें ये वाला एरो यहाँ पे था, इसका शेप याद रखना, पहले 6 पे था, लेकिन ये पहले 9 पे था, सॉरी पहले 6 पे था ये वाला एरो, ठीक। फिर ये रोटेट होके 9 पे आ गया, यहाँ पे 7 होगा, तो रोटेट होके घड़ी की दिशा में 7 पे आ गया, ठीक। देखिए पहले यहाँ पे था, फिर रोटेट होके यहाँ पे आ गया। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, ठीक, 135 डिग्री रोटेट करेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा, हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो ये नहीं हो रहा, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन आप देखेंगे अच्छे से कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बहुत करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहले फिगर में क्या है पास एक सर्कल है, दूसरे वाले में वो सर्कल में क्या छोटा हो गया है, और एक स्ट्रेट लाइन है, उनके बीच बीच में चार स्ट्रेट लाइन है। पहले दूसरे में क्या चेंजेस हुए हमारा, पहले में क्या एक सर्कल था, दूसरे में छोटा सर्कल हो गया और डार्क स्ट्रेट लाइन आ गई उसमें। तो क्या इसमें क्या चेंजेस हुए, वो चेंजेस हम थर्ड और फोर्थ में करेंगे। इसमें हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसमें क्या कर देंगे हम पूरा ट्राइंगल करेंगे, और इसमें चार स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ठीक। जैसे पहले बार क्या हुआ, एक सर्कल था, दूसरे में छोटा सा हो गया और उसमें स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक, अंदर। तो तीसरे फोर्थ में भी यही चेंजेस करेंगे हम, पहले में क्या हमारे पास ट्राइंगल, दूसरे में छोटा ट्राइंगल कर देंगे और अंदर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक। पहला ऑप्शन क्या हमारे पास के टाइप का सेव है, दूसरे वाले में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये है, तो इन्होंने दो ट्राइंगल बना दिए और उसे रोटेट कर दिया है 90 डिग्री पे, जैसे 90 डिग्री पे रोटेट, 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है। नाइन्टी डिग्री रोटेट करने पे कौन सा वाला सेप हो जाएगा हमारा, देखिए
जैसे 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ये रोटेट होकर इस तरह से बन गया। ठीक, तो हमारे पास तीसरे वाले फिगर में क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, दूसरे वाले में क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसको भी हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे। 90 डिग्री पर रोटेट करने देखिए, इसको हम मान सकते हैं एक सर्कल और यहाँ पे हम दो ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम पहले दूसरे में क्या हुआ है, पहले वाले में जो फिगर था उससे हमने दो ट्राइंगल बना लिए हैं। ठीक, इसी प्रकार हम तीसरे में यही चेंजेस करेंगे, इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा ट्राइंगल और एक बन जाएगा सर्कल। ठीक, और इसके हाफ पार्ट को हम डार्क कर देंगे, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसमें देखिए हमारे पास पहले वाले फिगर में क्या है, जो ये वाला कॉर्नर हमारा लेफ्ट साइड में है और ये वाला राइट में हो गया है। ठीक, मतलब इसमें अपोजिट हुआ है, तो यही अब चेंजेस हम करेंगे थर्ड और फोर्थ में। देखिए इस वाले हमारा नीचे साइड लेफ्ट में था, फिर क्या हो जाएगा, नीचे साइड राइट में, तो हम ये वाला ऑप्शन सर्च करेंगे, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा वाला, इसके शेप का भी ध्यान रखना है हमें, ये वाला शेप नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन फोर्थ वाला सेव हमारा सही है। इसके बाद हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा सर्कल, दूसरे पे स्क्वायर है, तीसरे पे हमारा एक ट्राइंगल जो कि उल्टा है, और इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया है, बिल्कुल जो थी ना एक एक डायरेक्शन आगे हो गई है, अपोजिट, जो सबसे लास्ट में था वो फर्स्ट में हो गया, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला लास्ट में हो गया। ठीक, इसमें अपोजिट हो गया हमारे, देखिए इसमें पहले नंबर पे क्या था सर्कल, दूसरे पे क्या था स्क्वायर, तीसरे पे क्या था ट्राइंगल, लेकिन इसमें इसका अपोजिट हो गया। देखिए जो हमारा सर्कल था फर्स्ट नंबर पे वो लास्ट में हो गया, स्क्वायर दूसरे पे, और जो हमारा लास्ट में था वो फर्स्ट पे हो गया, मतलब इसमें क्या चेंजेस हुए, हमारा अपोजिट हुए हैं हमारे सारे शेप, यही हम थर्ड में करेंगे। ठीक, इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा ट्राइंगल, दूसरे में क्या है स्क्वायर, तीसरे में क्या है सर्कल, तो इसका वर्ड करेंगे, फर्स्ट पे क्या जाएगा सर्कल, दूसरे पे जाएगा स्क्वायर, और लास्ट में जाएगा हमारा ट्राइंगल, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आगे सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और क्वेश्चन के सॉल्व चाहिए तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।